नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई साइट लेकर आया हूँ। ये साइट साउथ कानपुर में कररही के पास है। इसकी गूगल लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लोगों की सुविधा के लिए दी है। वहाँ से आप सीधे लोकेशन को क्लिक कर और अच्छे से देख पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये जो साइट है ये पिपौरी से फतेहपुर जाने वाली रोड पर है। जब आप पिपौरी से आएंगे तो ये आपको लेफ्ट साइड पर पड़ेगी, और अगर आप कररही से फतेहपुर आएंगे तो ये पांडो नदी का पुल क्रॉस कर 1 किलोमीटर राइट साइड पर पड़ जाएगी। दोनों साइडों पर श्रेया नगर के नाम से इसकी होर्डिंग लगी हुई है, तो आप श्रेया नगर के नाम से यहाँ पर आ सकते हैं। श्रेया नगर के नाम से ही मतलब साइट जो है डेवलप की जा रही है। यहाँ पर आपको दोस्तों 50 वर्गज, 100 वर्गज, 200 वर्गज और 250 वर्गज तक के प्लॉट जो है मिल जाएंगे। पूरी साइट पे आप देख सकते हो स्क्रीन पर आरसीसी रोड जो है बना कर दी जा रही है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बिजली के पोल लगा कर दिए जाएंगे, जो अभी नहीं लगे हैं लेकिन उसका काम जल्दी शुरू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर मतलब बिजली और सड़क दोनों चीज़ें मिलेंगी जब आप प्लॉट लेंगे। यहाँ पे सीवर लाइन दोस्तों यहाँ पर नहीं है, जैसा कि मैं आपको क्लियर कर दूँ। यानी आपको अगर आप मकान बनवाना है तो आपको फिलहाल यहाँ पर ड्रेनेज के लिए अपना एक टैंक बनवाना होगा। जो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से अगर ये जगह देखी जाए, तो न सिर्फ इन्वेस्टमेंट दोस्तों बल्कि रेडी टू मूव के लिहाज से भी ये लोकेशन बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर आप जो है तुरंत जमीन खरीद कर उस पर प्लॉट बनवा कर मतलब मकान बनवा कर रह सकते हैं, है ना। क्योंकि ये जो इलाका है दोस्तों ये सिटी के पास होने के कारण आपको यहाँ पर जरूरत की सारी सुविधाएं 1 किलोमीटर के दायरे पर जो है मिल जाएंगी। यहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे पे आपको डीपीएस जैसे स्कूल मिल जाएंगे। मार्केट की बात करें तो कररही है बगल में, वहाँ पे आपको मार्केट मिलेगी। इसके अलावा अगर हम इस इलाके का जो थाना क्षेत्र लगता है तो वो बता दें तो ये आपको बर्रा थाना क्षेत्र लगेगा, बर्रा थाना लगेगा। पिपौरी वाली रोड का जो एक छोर है दोस्तों वो आपका मिलता है हमीरपुर रोड पर, और दूसरा छोर जो है वो मेहरवान सिंह पुरवा में मिलता है। तो इसकी जो लेंथ थी पूरी मेन रोड थी वो मैंने आपको बताई। ये जो पिपौरी रोड है ये भविष्य में चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि नौबस्ता का जो ट्रैफिक रोड है वो कई जगह से इसको डाइवर्ट किया जा रहा है, तो उस क्रम में ये रोड बनना है, प्रस्तावित है। ये जो जमीन है दोस्तों ये किसान की पुश्तैनी जमीन है। ये फतेहपुर जो गांव लगता है यहाँ पे, फतेहपुर दक्षिण साउथ कानपुर में। जमीन पुश्तैनी होने के कारण खरीदने में कोई समस्या नहीं है, जमीन आपको फ्री होल्ड मिलेगी। जब आप जमीन खरीदेंगे तो आपको दाखिल खारिज की सुविधा मतलब आप दाखिल खारिज करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्लाट लेने पर आपको जो रजिस्ट्री करी जाएगी वो सीधे किसान से करवाई जाएगी, मतलब जो बिल्डर इसको डेवलप कर रहा है वो बतौर एग्रीमेंट पर डेवलप हो रही है साइट। तो आप जब जमीन खरीदेंगे तो आपको सीधे किसान से रजिस्ट्री की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सीधे सीधे इसके प्राइस के बारे में, इसके रेट के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो प्लॉट पड़ेगा वो 9600 रुपये वर्ग गज के लिहाज से पड़ेगा, यानी आपको 9,60,000 में आपको 100 वर्ग गज का मकान प्लॉट जो है आप यहाँ पे खरीद पाओगे। तो एक अच्छी साइट है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप लोग सोच रहे थे कि साउथ कानपुर में प्लॉट खरीदना है तो इससे अच्छी साइट नहीं मिलेगी आपको। मैंने बहुत सारी साइटें देखी है कानपुर में साउथ में, लेकिन ये जो साइट है बहुत बेस्ट है। यहाँ पर आप देखिए उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, सारी सड़कें बनाई है, 3-3 सड़कें साइट इस सोसाइटी से निकली, 3 हैवी सड़कें पिपौरी मार्ग को मिलती है जो 22 फीट चौड़ी है। इंटरनल रोड दोस्तों 20 फुट का जरूर है, लेकिन ये जो रोड आप देख रहे हो ये 22 फिट का है। तो एक बहुत अच्छी साइट है, और सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ पर प्लॉट खरीदने को छोड़िए, प्लॉट बुक कराकर तुरंत आप कब्जा ले लें। बिल्डर आपको कब्जा देने के लिए तैयार है, आप अपनी बाउंड्री क्रिएट करा लीजिए, उसके बाद बाकी का पैसा दे। तो ये यहाँ पर एक अच्छी सुविधा है, लोकेशन बहुत ही अच्छी है, चारों तरफ से सिटी से कवर हो रहा है, क्योंकि राइट इसके जो जस्ट पीछे बात करें तो यहाँ पर पांडव नदी का पुल जरूर है, उसके पीछे आपका कररही है और गरौली है, इधर फतेहपुर गांव है, बगल में पिपौरी गांव है, और कई सारे गांव आसपास जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने प्लॉट ले लिया तो आपने सन्नाटे में खरीद लिया और आप मतलब यहाँ पर आप रह नहीं पाएंगे, यहाँ पर आप तत्काल रह सकते हैं बनवा कर। गेस्ट हाउस भी आपको यहाँ पर एक बना कर दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गेस्ट हाउस की फैसिलिटीज आपको मिलेगी, यानी आपको छोटे मोटे कार्यक्रम कराने के लिए एक बतौर गेस्ट हाउस सुविधा मिल रही है। हर सड़क जो है यहाँ पर 20 फीट से कम नहीं है, 20 फीट मिनिमम सड़क है, 22 फीट की भी सड़क है। यहाँ पर आपको भी सभी जगह प्लॉट मिल जाएंगे, क्योंकि नई साइट डेवलप हो रही है दोस्तों,
और कॉर्नर के ज्यादातर हालांकि प्लॉट यहाँ पर दोस्तों बिक गए हैं, लेकिन तब भी यहाँ पर काफी अच्छे प्लॉट अभी मिल सकते हैं आपको। तो आप आकर यहाँ देखिए और अगर आपको पसंद आता है तो आप यहाँ पर खरीदें। अगर जो लोग इस साइट को देखकर लग रहा है उनको कि प्लॉट यहाँ पर खरीदना बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा उनके लिए, तो हम आपको स्क्रीन पर एक नंबर देंगे, आप उस नंबर पर संपर्क करके बात कर सकते हैं, सीधे ऑनर से बात कर सकते हैं, आप वहाँ पर प्लॉट के बारे में पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लोकेशन दिया है वहां से आप लोकेशन देखिए, आपको पूरे साउथ कानपुर का गूगल मैप मिल जाएगा, उसमें ये लोकेशन मैंने हाईलाइट कर दी है, तो वहां से भी आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। इसके बाद ही आपको इन्हें निर्णय ले पाएंगे अच्छे से।
उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको हमारे आने वाले हर वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। सब्सक्राइब के बगल में आप देखिए एक बटन दिया है बेल का, अगर आप इसको दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो वहां पर आपके पास एक नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोग दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ चैनल को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं एक नई साइट में दोस्तों, हम आपके लिए इसी तरह की नई नई साइटें लाते रहेंगे, जहां पर भी आपको पसंद है वहां पर आप जाइए, वहां पर इन्वेस्टमेंट करिए। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपको कानपुर और लखनऊ की जो भी प्लॉटिंग हो वो आपके पास घर बैठे आपको जानकारी दे दी जाए कि यहाँ पर ये साइट डेवलप हो रही है। पसंद आए तो आप घर से निकल कर यहाँ जाइए, अदरवाइज आप जो है इसको नहीं जाना चाहते तो ना जाइए, देख लीजिए यहीं से। तो एक अच्छा विकल्प हम आपको देते हैं घर बैठे। धन्यवाद।